अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा का, तमाम नए आने वाले मेंबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। रख़ुसूसन उन तमाम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ तआवुन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स नंबर 2, उसके मार्क्स से 2.6 कम्प्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अक्सर से 2.7, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक मस्ट है और इंशाल्लाह 99% चांस है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा और इसके जितने लेक्चर हों उनको अच्छे से ध्यान से लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं लिए वो भी लेक्चर दीजिएगा, ताकि आप इजिली अपने चैप्टर को कवर कर सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। किसी को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है। किसी को फार्मूले आपको चाहिए हो तो आप फार्मूले भी रिसीव कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है y is equal to, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है y is equal to 2x cube y minus 3x 4 plus 4x cube plus x minus 2। हमने फाइंड करना है y2, ये किस दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ठीक है जी। y1 का मतलब है dy और dx, ये आप बताता चलो। y1 का मतलब dy और dx के फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव y2 d2y और dx के, इसी तरह so on y3 होगा तो इधर d3y और dx क्यों हो जाएगा। हमने ये दो डेरिवेटिव फाइंड करने इस फंक्शन के, तो क्या सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इधर dy और dx, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, d और dx सबके साथ लिखना है, 2x/5 - d और dx dx की 4 प्लस dy d और dx 4x क्यूब प्लस d और dx x माइनस d और dx और 2, सबके साथ हमने d और dx लिख दिया। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी पावर 5 शुरू में, तो पावर में कमी करेंगे, 5 2 जा 10 और में कमी की 4 आएगी, माइनस इसकी पावर शुरू में 4 3 जा 12 और पावर में कमी की 3 आएगी। इसी तरह इसकी पावर शुरू में 3 4 12 और पावर में कमी की स्क्वायर आ गया, और x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है जी। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि dy dx, इसको हम y1 का नाम देते हैं y1, ठीक है जी। y1 ये हमारे पास आ गया 10x की 4 - 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, तो y2 इसका क्या आएगा, पावर शुरू में 4 10 जा 14 पावर में कमी 3 रहेगी, पावर शुरू में 12 3 जा 36 पावर में कमी 2 रहेगी, 12 2 जा 24 और पावर में कमी की x रह गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। आइए देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास है y = 2x + 5 की पावर 3/2, सिंपल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। y1 आगे का डेरिवेटिव, इसकी पावर शुरू में पावर में कमी की -1 और इस अंदर वाले का डेरिवेटिव मजीद, यानी कि इसकी बेस का डेरिवेटिव लिख लिया। इसमें से जब इसको सॉल्व करेंगे 3/2 -1 को रह जाएगी 1/2 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x का 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहां पे क्या होगा, ये 2 2 से कैंसिल रह गया, 3 * 2x + 5 की पावर 1/2, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3 वैसे आएगा, इसकी फिर पावर शुरू में पावर में -1 यानी कमी की, इसकी बेस का फिर डेरिवेटिव लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 और ये 3 1 3/2, यहां पे भी 2x + 5 का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां पे 2 2 से कैंसिल, पावर माइनस में है, इसको और में ले गए हैं 3 ऊपर, वैसे ही ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। आइए देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है y = √x + 1 और √x, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, x पर 1/2 लिख लिया, इसको ऊपर ले गए, x पर -1/2 होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी पावर शुरू में पावर में कमी की -1/2 होगी, ये प्लस, वैसे इसकी पावर शुरू में और पावर में कमी करेंगे -1/2 में से जब -1 कमी करेंगे -3/2 बन जाएगी, दोनों में से 1/2 बाहर कॉमन निकालिए, x पर -1/2 ये प्लस माइनस x पर -3/2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/2 ये वैसे इसकी पावर फिर शुरू में पावर में कमी करेंगे -3/2 ये माइनस, वैसे इसकी -3/2 शुरू में पावर में कमी करेंगे तो -5/2,
अब दोनों में से फिर 1 का 2 बाहर कॉमन आ रहा है, जब 1 का 2 बाहर आ जाएगा 2 2 जो 4 हो जाएगा कि माइनस x पर माइनस 3 बाय 2 और माइनस 1 प्लस 3 x पर माइनस 5 बाय 2। अब अपने क्या करना है, इनके पास माइनस में इनको और में ले लेंगे, डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो जब पोजीशन चेंज करेंगे तो पावर क्या होगी प्लस में, जब इन दोनों को हम और में लेके लेंगे तो इसकी पावर प्लस में होगी और इसकी पावर प्लस में होगी, यहाँ पे ऊपर 3 आएगा यहाँ पे ऊपर माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये सारी अमाउंट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ओनली सिर्फ एक्स बचेगा, ठीक है जी, इस अमाउंट से जब इसको डिवाइड करोगे पावर माइनस करोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा, वो एक्स ऊपर माइनस वन से मल्टीपल माइनस एक्स आ गया, ये सारा का सारा कैंसिल, ऊपर 3 का 3, ये हमारे पास 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास इसके पार्ट में 3 का सलूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, भाई अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट है हमारे पास, इसका पहला पार्ट है y = x के डॉट इक्वल माइनस एक्स वाई टू फाइंड करने, इनके दो डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी, ओके अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से e की पावर माइनस एक्स का निकालना, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाय कॉमन निकाल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये हमारे पास अब वाई वन, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे माइनस टू एक्स आएगा पावर शून्य में, पावर में कमी, और यहां पे एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस टू, यहाँ पे हमारे पास ये सेम एज इट इज आ गई माइनस एक्स के प्लस टू एक्स और एक बार माइनस एक्स एक बार माइनस एक्स इसकी पावर का आ गया मजीद डेरिवेटिव माइनस वन। अब एक बार माइनस एक्स फिर हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर के बनेगा माइनस टू एक्स प्लस टू और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा इन सबसे तो अंदर साइन चेंज होगा माइनस माइनस प्लस एक्स के माइनस प्लस माइनस टू एक्स, ओके एक बार माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए आ गया वाई टू, इसको मजीद अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा एक बार माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर एक्स, पहले लिख लेंगे एक्स के माइनस फोर एक्स और प्लस टू, ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। अब इसके हम पार्ट नंबर टू की बात कर लेते हैं वो कैसे सॉल्व हो, क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पार्ट की जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या है y is equal to log into 2x plus 3 और 3x plus 2, तो जब अगर दो अमाउंट डिवाइड हो रही हो लॉग का साथ फंक्शन हो तो उसके प्रॉपर्टीज का लॉग अगर अप्लाई करें तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग आएगा दरमियान में माइनस आएगा, ये दो डिवाइड हो रही है लॉग लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे तो ऊपर वाली अमाउंट पर माइनस लगा के नीचे वाली अमाउंट दोनों के साथ सेपरेट हो गया लॉग, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1 ओवर जो भी फंक्शन है 1 ओवर आएगा और उसका मजीद डेरिवेटिव हमने लिख लिया माइनस फिर लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर जो भी था अमाउंट और इसका मजीद डेरिवेटिव ये सेम एज इट इज आ गई 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट हमने क्या किया ये जो ओवर में थी आपके पास अमाउंट ये इसको हम ऊपर ले गए तो पावर माइनस 1 हो गया इसको भी हम ऊपर ले गए इसकी पावर माइनस 1 हो गया ये 2 शुरू में आ गया ये 3 स्टार्ट में आ गया अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर अप्लाई करेंगे पावर शुरू में पावर में कमी थी माइनस 2 होगी इसका फिर में 0 डेरिवेटिव अंदर वाली का 2x का 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 इस तरह इसकी पावर शुरू में माइनस माइनस प्लस 3 और पावर में कमी की माइनस टू फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस थ्री एक्स प्लस टू का 3 आ रहा है ओके। अब ये क्या टू टू जा माइनस फोर इसकी पर माइनस टू थी इसको ओवर में लेके प्लस टू होगी थ्री थ्री जा नाइन और इसकी पर माइनस टू थी इसके ओवर में लेके प्लस पावर टू होगी ठीक है जी। अब हमने क्या करना इसका एलसीएम लेना है ये दोनों अमाउंट इसकी एलसीएम आनेगी ये इस 4 से मल्टीप्लाई करिए इस 9 से मल्टीप्लाई होगी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहले इसका ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे
हमारे पास अब क्या आएगा 108x में से माइनस 48x करेंगे तो हमारे पास आएगा 60x, 81 में से माइनस 16 करेंगे तो 65 हमारे पास बचेगा। और ये नीचे अमाउंट एज इट इज, ये है आ जाएगा हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सलूशन।